दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में एक तरफा प्यार में पागल सनकी युवक ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी युवती को पहले दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दुमका में पेट्रोल डालकर चलाई गई बेटिया की मौत रिम्स में हो गई। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि बेटी की मौत से सब मर्माहत हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अगर सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ऐसे दरिंदों को कम वक्त में सजा दिलाई होती तो दूसरे ऐसी हिम्मत नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस मौत के लिए जितना दोषी हत्यारा है उतना ही दोषी ये सिस्टम भी है। रांची से देवघर जाने के क्रम में धनबाद पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दुमका की घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना जब भी घटती है तो शर्मिंदगी महसूस होती है। बावजूद पिछली घटना में महज 24 घंटे में अपराधी पकड़े गए थे, इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई होगी। झारखंड सरकार इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ही ना हो। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि 2024 में राहुल गांधी देश के अगले पीएम होंगे। लोहरदगा में एसडीपीओ बीएन सिंह ने कैरो थाने का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में एसडीपीओ ने थाना क्षेत्र के लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों को जल्द से जल्द अनुसंधान कर निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सभी पुलिस कर्मियों को बधाई भी दी। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 के मुदडी कोल्डम में रण क्षेत्र का नजारा दिखा, जब मैनुअल लोडिंग की मांग कर रहे आंदोलनकारियों के दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। हंगामे की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए जोगता थानेदार दीपक कुमार झा समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला। संयुक्त मोर्चा के लोगों ने बागमारा विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। कोल्डम पर वर्चस्व कायम करने को लेकर यह झड़प हुई। जमशेदपुर के परसुडी के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रदीप कुमार ठाकुर ने एसएसपी और थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित ने कहा कि पति और पत्नी के बीच विवाद का मामला अदालत में चल रहा है। उसने अपनी पत्नी के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया, साथ ही बिष्टुपुर में उसकी दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश का सीसीटीवी भी पुलिस को सौंपा। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हथनी रजनी का 13वां जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान 14 पौंड का केक काटा गया, जिसमें स्कूली बच्चे, वनरक्षी और पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण भी शामिल हुए। दलमा पश्चिमी रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इस मौके पर रजनी का जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने कहा, ये खुशी की बात है, इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है। जब हम अपने घर के बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो वन्य प्राणियों का क्यों नहीं। रजनी के जन्मदिन पर लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना भी एक प्रमुख उद्देश्य बताया गया। साल 2009 में रजनी झुंड से बिछड़कर गड्ढे में फंसी मिली थी। भारत और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रांची पहुंच गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लोगों ने दोनों टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। 9 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। रांची के जेएससीए स्टेडियम में यह मुकाबला होगा। इस मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के दुदमती जंगल में पर्यावरण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। यह मेला टाटीझरिया के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक महादेव महतो की पहल पर शुरू किया गया था, परंतु अब वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मेले में हिस्सा नहीं ले पाते। लेकिन उनके तरफ से आरम्भ किए गए इस मेले को और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस मेले के दौरान दुदमतिया जंगल के पेड़ों में रक्षा सूत्र भी बांधे जाते हैं और पेड़ों की रक्षा का वचन भी लिया जाता है।